बिहार के चारा चोर, होटवार रिटर्न, भ्रष्टाचार के प्रतीक, परिवारवाद के प्रतीक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीका से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तो इनको शर्म आना चाहिए। ये सारे घमंडिया गठबंधन के चोरों की बारात लोगों का इस तरह का नाम सना बयान वोट के राजनीति के लिए आते रहती है। आप देख रहे हैं केवल सच। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार कहने में नहीं करने पर विश्वास करती है। महागठबंधन सरकार की तरह ढकोसले और नारों से नहीं जल कल्याण नीति नियत से गरीबी को हराने का काम कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना से 55 से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक संबल देने का काम कर रही है मोदी सरकार। पूरी दृढ़ से मोदी सरकार किसान हितों के प्रति समर्पित है और इसी क्रम में किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त देश के 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजी गई है और बिहार के 72,39,000 से अधिक किसानों के खातों में 1607 करोड़ रुपए भेजी गई है। वहीं अरविंद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जन धन योजना 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। सुनिए, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के चारा चोर, होटवार रिटर्न, भ्रष्टाचार के प्रतीक, परिवारवाद के प्रतीक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीका से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम किया है, अशुभ बोल करके उनको शर्म आनी चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हार के बाद भी खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाकर के उनके हौसला अफजाई किया और कहा कि 10-10 मैच लगातार आप जीते हो, ये सब होते रहता है, आगे जीतोगे। और आजादी के बाद पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री जाकर के कोई मैच को देख करके और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है। और ये सारे चोरों की बारात, परिवारवाद के पूरक और घोटाले के प्रतीक, इनको शर्म आना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये लोग हाशिए पर रख दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना करके, मूर्ति बना करके उन्होंने आज दुनिया के सामने खड़ा कर दिया कि राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। तो इनको शर्म आना चाहिए। ये सारे घमंडिया गठबंधन के चोरों की बारात लोगों का इस तरह का नाम सना बयान वोट के राजनीति के लिए आते रहती है।